हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में काफी बदलाव आ रहे हैं। रिसेंटली 31 जुलाई, 1 अगस्त एंड 4 अगस्त को नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इशू हो रहे हैं, जो कि जो प्रोसीजर्स हैं जीएसटी में। अभी रिसेंट हमारी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, तो उसमें जो भी चेंजेस बताए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। बट जो एक मेजर चेंज आया है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी आया है, और कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं उन पर्संस को जो कि ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं। तो क्या चेंजेस हैं ई कॉमर्स के, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके थ्रू कुछ पर्संस के लिए एग्जेम्पशन बताई गई है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं। अभी तक क्या प्रोविजन था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आपको सेल करना है तो आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्टर होना पड़ता है, और उसके बाद ही आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। बट कुछ पर्संस के लिए ये एग्जेम्पशन लेकर आए हैं कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट वो जो कुछ पर्सन है उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी वो एग्जेम्प्ट होंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर वो ई कॉमर्स से करना चाहते हैं सेल। उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अबव विच सप्लायर इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट। कई कई स्टेट में 40 लाख की लिमिट है और कई कई स्टेट में 20 लाख की लिमिट है इन सेल ऑफ गुड्स। तो आपके अगर टर्नओवर इससे कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का या करेंट करेंट फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप अपने गुड्स ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ता था रजिस्ट्रेशन। तो आपके लिए ही ये चेंज है कि अगर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है आपके टर्नओवर तो आप नहीं ले जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तब भी चल जाएगा। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगी कि जो पर्सन है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सेल कर रहे हैं, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंट्रा मतलब विद इन दी स्टेट सप्लाई ही कर पाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। सच पर्सन शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको एक ही स्टेट तक लिमिट कर दिया जाएगा, एक से ज्यादा स्टेट में आप अपने गुड्स नहीं सेल कर पाएंगे थ्रू ई कॉमर्स अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर पोर्टल में बताना रहेगा और उसके बाद वैलिडेशन होगा पैन पैन का। तो आपके पास एक वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। सच पर्सन शैल बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर डिक्लेयर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल देयर परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एड्रेस ऑफ देयर प्लेस ऑफ बिजनेस एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच सच पर्सन सीक्स टू मेक सच सप्लाई विच शैल बी सब्जेक्टेड टू दी वैलिडेशन ऑन दी कॉमन पोर्टल। तो आपको आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए और आपको कॉमन पोर्टल पे अपना पैन नंबर, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, स्टेट, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। एनरोलमेंट नंबर बहुत जरूरी है, वो कहाँ से मिलेगा, कॉमन पोर्टल से ही मिलेगा। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, बट उसकी जगह एक एनरोलमेंट नंबर होगा सो दैट आप को आपको ट्रेस कर पाए गवर्नमेंट कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और आप ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं। एनरोलमेंट नंबर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बताना रहेगा। एक स्टेट के लिए सिर्फ एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा और एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर ग्रांट नहीं होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन दी कॉमन पोर्टल। मतलब कि आपको कॉमन अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एनरोलमेंट नंबर बताना रहेगा।
Where such person are subsequently granted registration under Section 25 of the said Act, the enrollment number shall cease to be valid from the effective date of registration. जब आप GST registration ले लेंगे तो जो enrollment number है वो अब फिर valid नहीं रहेगा, आपके उसके बाद GST number ही काम में आएगा और फिर जो ऊपर की conditions है वो कुछ भी apply नहीं होंगी. तो ये जो प्रोविजन है ये 1 अक्टूबर 2023 से आया है. तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो पर्सन ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, अब ये प्रोविजन उन लोगों के लिए अप्लाई होगा. बस कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. अब नेक्स्ट, ये तो उन पर्सन के लिए था जो कि करना चाहते हैं सेल. अब ई कॉमर्स के थ्रू जब सेल करेंगे तो ई कॉमर्स को इनके लिए भी अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं. तो क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उसके लिए भी सेपरेट नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है. रिसेंटली तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ये चेंज लेकर आए हैं कि अब उनको उन पर्सन को भी इनवाइट करना है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि वो लोकेशन स्पेसिफिक रखें. और साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पोजिशन डीलर है वो भी ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, बट ई कॉमर्स को उनके लिए भी रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना है. तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है ई कॉमर्स के लिए ये हम देखते हैं. नोटिफिकेशन नंबर 36/2023 नोटिफाइज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 एज द क्लास ऑफ पर्सन हु शैल फॉलो द फॉलोइंग स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड इट बाय पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10. कॉम्पोजिशन डीलर की यहाँ बात कर रहे हैं. अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं गुड्स तो ई कॉमर्स को क्या करना है. द ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट अलाउ एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय द सेड पर्सन. उसको अपने सॉफ्टवेयर में ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं कि ये लोकेशन स्पेसिफिक ही हो जाए, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाए. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द सेड एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड इट थ्रू बाय द सेड पर्सन एंड पे टू द गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 52. ई कॉमर्स को नॉर्मल तरीके से टैक्स कलेक्ट करना है और सरकार को जमा करना है. एंड ये जो डिटेल्स हैं कॉम्पोजिशन डीलर्स की वो उनको जो रिटर्न वो फाइल करते हैं GSTR 8 उसमें बताना है अलग से. तो ये सारी चीजें कब से लागू होगी, 1 अक्टूबर 2023. तो ई कॉमर्स के लिए कॉम्पोजिशन डीलर से रिलेटेड तो अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, अब उन पर्सन से रिलेटेड भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है जो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हैं बट उनके पास एनरोलमेंट नंबर है. तो उससे रिलेटेड उन लोगों को ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या चेंजेस करने हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अलाउ दी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय सेट पर्सन ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड ऑन द कॉमन पोर्टल. जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं अलॉट होगा तब तक वो पर्सन को नहीं अलाउ करें सप्लाई ऑफ गुड्स करने से. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट अलाउ एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. तो उनको भी ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर में चेंज करना है कि एनरोलमेंट नंबर जरूरी है देना और लोकेशन स्पेसिफिक करना है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं हो. जैसे द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52 इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड इट बाय द सेट पर्सन. इस केस में उनको टैक्स कलेक्ट नहीं करना है क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं होगी. बट रिकॉर्ड आपको अलग से फर्निश करना है GSTR 8 में. अब कई कई जगह क्या होते हैं कि जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो मल्टीपल कॉमर्स ऑपरेटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक सप्लाई ऑफ गुड्स में. तो इन दैट केस किसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू फर्निश दीज डिटेल्स. तो उसके लिए भी इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है वेयर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म, द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल मीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु फाइनली रिलीज द पेमेंट टू सेड पर्सन फॉर द सेड सप्लाई मेड बाय द सेड पर्सन टू हिम. तो जो भी फाइनल पर्सन होगा, फाइनल ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, जो कि पर्सन को जिसने सेल कर रहा है उसको पेमेंट रिलीज कर रहे हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू टू डील विद द अबव डिटेल्स, टू फॉलो दिस नोटिफिकेशन. तो ये भी 1 अक्टूबर 2023 से ही लागू होगा. ये समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पोर्टल में अभी कहीं पे भी एनरोलमेंट के लिए नहीं स्पेस है, तो थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे पोर्टल में. GSTR 8 में चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर कॉम्पोजिशन डीलर से रिलेटेड एंड GST रजिस्ट्रेशन जिनने नहीं लिया है उनसे रिलेटेड आराम से डिटेल फर्निश कर पाए फॉर्म GSTR 8 में, और उसको भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. तो सफिशियंट टाइम दिया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से ये सारी चीजें लागू हो पाएंगी. तो होप आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए क्या चेंजेस आए हैं, और जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करना चाहते हैं बट GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो कैसे सेल कर सकते हैं गुड्स ई कॉमर्स के थ्रू, वो समझ आया होगा. तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.